बहुत ही बढ़िया है। मेरे को ना हमेशा इंटरेस्ट इसी बात में रहता है कि कंपनी ने इंजन में क्या चेंज करके दिया है, क्या चेंज करके नहीं, जो कि मेरे को इसमें बहुत ही बढ़िया बात लगी। दबा देता हूँ तो यहाँ पर भाई इसमें पावर मोड भी आ जाएगा, ठीक है। इको हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई लोग, मेरे सामने खड़ी है TVS की रेडर 125। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सौभाग्य TVS का, जिन्होंने मेरे को इस बाइक को रिव्यू करने का मौका दिया। तो अभी मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोग भाई मथुरा में रहते हैं ना कहीं भाई इस वाले प्रोडक्ट पर ना अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, तो मैंने सोचा यार इसके लिए एक बार वीडियो तो जरूर बनाई जाए। मैं एक बात पहली बोल दूं भाई, ये जो बाइक है ना, ये वाली जो पर्टिकुलर जो बाइक है, अपने सेगमेंट में इतनी फास्टेस्ट बाइक है। आप KTM को तो खैर हटा ही दो, इसका जो डायरेक्ट जो कंपटीशन होता है ना, वो भाई साहब होता है हीरो की एक्सट्रीम 125। मैंने काफी टाइम पहले वीडियो डाली थी और मेरे को उस वाली वीडियो पर ना काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बाइक में आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। तो सबसे पहले अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो एज यूजुअल आपने लुक्स तो इस बाइक के देख ही रखे होंगे हजारों बार कि ये बाइक आपको कैसी दिखती है कैसी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 3D लोगो आपको जो TVS में पहले आया करता था, बीच में बंद हो गया लेकिन अभी आने लगा है, तो वो आपको ये यहाँ मिलेगा। TVS रेडर की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी और एक सिंपल सा लुक है यार। पहले जो जो हीरो की एक्सट्रीम 125 है ना, उसमें लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इसकी सीट बहुत ख़राब है, उल्टी सीधी सीट है, ये वो है फलाने डिमके। तो भाई लोग हाँ, उसकी सीट ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन अगर आप इसकी सीट को देखोगे ना, एक मतलब स्प्लिट सीट नहीं है, इसमें स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन आता है। इसमें 4-5 तरीके के वेरिएंट आते हैं, तो जो मैं लेकर आया हूँ ना वो मैं सिंगल सीट के साथ लेकर आया हूँ। और देख सकते हैं भाई इसके जो लुक्स हैं ना, इतने बेहतरीन लगते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन डिजाइन के साथ ये बाइक आती है। तो अगर कोई बंदा भगाने का शौक रखता है ना, तो ये वाली बाइक उसकी डिमांड ना बिल्कुल पूरी करेगी 125 cc के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर ना अपाचे का DNA मिलता है। तो अब अगर स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो से, वीडियो तो पहली बन गई, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ ना टायर से, तो आपको इसके अंदर 80-100 का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा। और ये TVS के रिमोरा के टायर है जो पर्टिकुलर TVS की साइड से आते हैं, ठीक है। और इसमें जो बैक वाला जो आपको भाई टायर मिलेगा, वो आपको 100-90-17 का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा TVS रिमोरा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया, ये गया TVS रिमोरा। और TVS रिमोरा की जो ग्रिप है ना, वो वाकई में दोस्तों बहुत बढ़िया है, मैं पहली बोल दूँ ग्रिप इसकी बहुत बढ़िया है। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसके अंदर 240mm की आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलेगी, ये वही आपको अपाची वाला ही कैलिपर मिलेगा। तो ब्रेक आपको इसके मामले में 240 मिलेगी। नीचे जो आपको मिलेगा वो भाई आपको ड्रम वाला वेरिएंट मिलेगा और ये ड्रम आपको 130 का ही मिलेगा। अमूमन जो ड्रम वाले जो वेरिएंट आते हैं ना, उनमें आपको 130mm का ही मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको सिंगल टाइप आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा, सस्पेंशन मिल जाएगा, एक बेहतरीन सा ज़्यादा बड़ा सा नहीं आपको ये इसमें एग्जॉस्ट मिल जाएगा, जो कि एग्जॉस्ट की नोट भी इस बाइक की बहुत बढ़िया, मैं आपको जल्द से जल्द इसमें सुनाऊंगा। फुटपैक की क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। ये अमूमन ये भाई बेसिक से है, इसमें ऐसे कोई ज़्यादा खास वास बताने लायक है नहीं, इसके बारे में आऊँगा, ये इसकी मेन हाईलाइट है, ध्यान रखना इस बाइक की। और अगर मैं इसके हेडलाइट की बात करूँ तो आपको इसके इस तरीके से आपको इसकी हेडलाइट मिल जाएगी, जो कि रात में देखने में ना अमेजिंग लगती है भाई, बहुत बढ़िया लगती है। मैं एक बार आपको जला के भी इसकी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये रही इसकी हाई बीम और ये दो रही इसकी भाई लो बीम। तो इसका सेटअप इस तरीके से होने वाला है। मीटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मीटर बहुत ही बेहतरीन है। एक बार मैं बंद करके एक बार चालू करता हूं तो आपको इस तरीके से इसमें ना मीटर मिलने वाला है। ये रहा आपको इसके अंदर RPM मीटर, यहाँ पर आपको इसके अंदर RPM मीटर मिलेगा, ये आपको न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, ये यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, ये यहाँ पर आपको पावर और इसके मोड्स मिलेंगे। बताऊंगा मोड कहाँ से चेंज होते हैं। ये न्यूट्रल मिलेगा और ये आपको हेलमेट की वार्निंग मिलेगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ दबा के क्या बंद करके चालू करके, ठीक है। तो ये यहाँ आपको हेलमेट की एक बार वार्निंग मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ आपको इंडिकेटर का यहाँ पर सिंबल मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं पावर, तो अभी ये पावर मोड पर है। पावर मोड पर कैसे चेंज होगी, इसमें देख सकते हैं ये इसका इको मोड है और ये इसका पावर मोड है। तब आप इको मोड दबाओगे तो ये यहाँ पर ना इको मोड में शो होने लगेगी, देख सकते हैं यहाँ पर इको मोड में होने लगी। जब मैं इसमें पावर मोड बता देता हूँ, दबा देता हूँ, तो यहाँ पर भाई इसमें पावर मोड भी आ जाएगा, ठीक है। इको मोड में क्या होता है दोस्तों, बाइक ना RPM अपना पूरा लेके नहीं चलती, शायद 8 या 7 या 8 पर ही रह जाती है, लेकिन जब आप इसमें पावर मोड जब आप लगा दोगे तो बाइक अपना पूरा का पूरा 10.5 तो नहीं 9.5-10 तक आपको पूरा का पूरा RPM खींच के चलता है। ये रहे इसमें मोड, जब आप इसमें मोड का बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपको इसमें ट्रिप ए और ये ट्रिप बी और ये इसमें रेंज को आपको इसके अंदर देखने का मौका मिलेगा। ओडो को आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ओडो जैसा है आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। की इसमें जो आपको मिलेगी वही बेसिक सी वेव टाइप की मिलेगी, जैसे एक नॉर्मल की होती है,
यहाँ पर आपको इसके अंदर ये मिल जाएगा 4000, ठीक है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो भाई इसके अंदर जो इंजन है ना वो 11.2 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क है वो भी 11.2 nm का ही आपको इसके अंदर टॉर्क जनरेट करता है। तो पावर और परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली ये बाइक ना बेहतरीन है ये, क्योंकि इस बाइक की जो मेन यूएसपी रही है वो इसका इंजन ही रहा है। और एक यूएसपी जो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, ये भाई ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका ऑयल कूलर। अमूमन आपने ऑयल कूलर देखा होगा जो यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर ना देखे इस बार इसमें थोड़ा सा क्लच की साइड ही मॉडिफिकेशन करके यहाँ इसमें लगा दिया है। अब आप देख रहे होंगे ये जो इसमें फिन्स देख रहे हैं, ये जब भाई बाइक चलती है ना तो हवा ना इनके अंदर से टकराती हुई जाती है, ठीक है, यहाँ से टकराती है और भाई यहाँ से निकल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है जो इसकी क्लच की जो साइड है ना वो हमेशा थोड़ी सी ठंडी रहती है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी ऑप्टिमम लेवल पर ही रहती है। तो कंपनी ने ये चीज़ बहुत बढ़िया करी, वहाँ पर ना देखे इन्होंने यहाँ पर करे, जो मेरी निगाह में इस बाइक की सबसे ज़्यादा ना बेस्ट चीज़ यही है कि इन्होंने क्लच की साइड से एक तरीके का ऑयल कूलर इन्होंने दे दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मेरे को ना हमेशा इंटरेस्ट इसी बात में रहता है कि कंपनी ने इंजन में क्या चेंज करके दिया है, क्या चेंज करके नहीं, जो कि मेरे को इसमें बहुत ही बढ़िया बात लगी। ये रहा इसका बेली पेन, आप देख सकते हैं, तो ये इसका बेली पेन है जो कि कीचड़ वीचड़ से बचाने के लिए बहुत काम में आता है। बेली पेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता तो बढ़िया रहता, जिससे कि ये वाला भी एरिया इसका कहीं ना कहीं बच जाए, ठीक है। और बाकी तो इस बाइक में एज सच कुछ इतना बताने लायक है नहीं। मैं एक बार आपको इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ, पीपी जैसा हॉर्न है। यहाँ पर इसको हाई बीम लो बीम का आपको इसके अंदर मामला मिलेगा, ये इंडिकेटर इसके अंदर आपको मिलेंगे, यहाँ पीपी वाला हॉर्न, यहाँ इसमें पावर मोड चेंज करने का, ये इसका है आपका सेल्फ स्टार्ट करने का मौका, ठीक है। तो जब आप सेल्स दबाओगे तो आपको इस तरह की साउंड इसकी सुनने को मिलेगी, भाई आवाज के मामले में तो बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो आवाज है ना वाकई में बहुत अच्छी है यार, ट्रस्ट में इसकी आवाज बहुत ही बेहतरीन है। तो भाई टीवीएस ने ये ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर चेंज किए, जो कि दिखने में भाई और चलाने में भाई बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये यहाँ पर आपको इसके अंदर साड़ी गार्ड मिल जाएगा, ये आपको ओपन टाइप आपको इसके अंदर चेन मिल जाएगी, ठीक है। सिंगल मोनोशॉक मैंने आपको बता ही दिया, जो कि ये खाली सा कैसे है यार, ये इसके अंदर खाली सा है। बैक लाइट की बात करूं तो आपको इसके अंदर इस तरह की आपको बैक लाइट मिलेगी, जो कि अगेन ये भी दिखने में भाई बहुत बढ़िया लग रही है। बल्ब टाइप आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिल जाएंगे। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं भाई, इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब इसकी इस वाले पर्टिकुलर सेटअप की बहुत बढ़िया है। क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए भाई आप अगर मैं इस ब्रेक को दबा रहा हूँ ना, अंदर तक बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, जिसका कि मतलब है इस बाइक की जो फ्रंट की जो बाइट है ना वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसकी जो फ्रंट की बाइट है बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक चीज़ मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि कंपनी ने ये मोड तो दे दी है, लेकिन अगर इस मोड को यहाँ दे के यहाँ पर एक किल स्विच दे देती ना तो वो ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर मोड दे के ना अब आपको बंद करनी होगी तो भाई आपको यहीं से ही करनी पड़ेगी, जो कि मेरे को यही चीज़ इसमें ख़राब लगती है। बाकी तो मेरे को इस बाइक में भाई किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं लगती। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगाने में बहुत बढ़िया, सारी सभी मामले में ये बाइक बहुत बढ़िया है। आपको रेडर की बैजिंग भी यहाँ मिल जाएगी। बाकी तो मैंने इस बाइक में सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी है, और अगर मेरे से कुछ भाई मिस हो गई है तो आप मेरे को प्लीज़ कॉमेंट करके भाई ज़रूर बताइए। 5 गियर के साथ ये बाइक आपको आती है। और एक बात और, अगर मैं आपके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 10 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। E20 बैजिंग के साथ ये आपको आती है। 180 mm की आपको इसके अंदर जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाएगा। सीट हाइट आपको इसकी 780 mm की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलेगी, जो कि सीट हाइट भी बहुत सही है, इतनी ज़्यादा ऊँची सीट हाइट नहीं है। अगर किसी बंदे की हाइट अगर 5-6 तक भी है ना तो आराम से इस बाइक को आराम से चलाया जा सकता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, आई विश मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी। अगर नहीं कवर कर पाया हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके भाई ज़रूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।